Welcome to Time News Studios. You are watching 4BM Bulletin. पाक फौज नरगो सरहदुनि जी मुहाफ़िज़ आहे पर आइन ऐं जमहूरियत जो तहफ़ुज़ बि उनजी ज़िमेवारी आहे। इमरान ख़ान जे क़ौमी इदारनि ख़िलाफ़ु नफ़रत अंगेज़ मुहिम मुल्क खे ॿीहर ॿ अध करण जी साज़िश आहे। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त इक़्तदार मां नेकाली मिलियल इमरान ख़ान ज़हनी तवाज़ुन विञाए वेठो आहे ऐं क़ौमी इदारनि ते हमला करे रहियो आहे। फॉरेन फंडिंग ऐं करप्शन केसिस में सज़ा खां बचण जे लाइ इमरान ख़ान क़ौमी इदारनि खे तकरारी बणाए रहियो आहे। पाक फ़ौज खे सियासत में गिहलण ऐं तकरारी बणाइण जी कोशिश मुल्क सां मज़ाक बराबरि आहे। इमरान ख़ान न रुॻो फ़ौज खे विरिहाइण जी साज़िश करे रहियो आहे पर आइन जी लताड़ जे लाइ बि संदड़ा ॿधी बीठो आहे। ॿियनि खे गदारी जा महिना ॾींदड़ इमरान न्याज़ी पाण मीर जाफ़र ऐं मीर सादिक जो किरदारु अदा करे रहियो आहे। खेसि इन जा नतीजा भोगणा पवंदा। अहिड़ियूं साज़िशूं बर्दाश्त न कयूं वेंदियूं। मियां नवाज शरीफ ने 14 मरतबा फौज को और कल मरियम नवाज शरीफ ने जनरल फैज का नाम लेकर कहा है 14 मरतबा जिसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में गैर इखलाकी जबान इस्तेमाल की हो उसका नोटिस लेना चाहिए। जो हालात हैं मुल्क के, इस पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन कराने होंगे, वरना सवाए कासिम जरदारी के देखें JUFA ने इंतखाबी जलसे करने शुरू कर दिए हैं, नून लीग ने इंतखाबी जलसे शुरू कर दिए हैं, तहरीके इंसाफ आगे ही जलसों में आए। सो मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है, इलेक्शन वाहिद हल है और मुक्तदर हलकों को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की बेहतरी जो है वो इलेक्शन में है। तो कल फौज के तर्जमान ने क्या है कि आप लोग जलसों में फौज को सियासत में घसीटते हैं, उनको कहा जो घसीटते हैं मरियम को। और शेख रशीद चयो आहे त पाक फ़ौज जे तर्जुमान जो बयानु असांजे बारे में न पर मरियम नवाज़ जे बयान बाबति हो। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ॿाहिरां मीडिया सां ॻाल्हाईंदे शेख रशीद चयो त नवाज़ शरीफ़ ऐं मरियम नवाज़ केतिरा ई भेरा पाक फ़ौज ऐं उन जी क़यादत ख़िलाफ़ु बयानु ॾेई चुका आहिनि। मरियम नवाज़ ताज़ो पाक फ़ौज जे जनरल ख़िलाफ़ु बयानु ॾिनो। मुल्क में जारी बहरान जो वाहिद हल इलेक्शन आहे। आसिफ ज़रदारी खां सवाइ बाक़ी समूरियूं जमातूं चूंडूं कराइण जी हिमायत करे रहियूं आहिनि। इस्लामाबाद हाईकोर्ट हनीफ़ अब्बासी खे मुआविन ख़ास मुक़ररु करण ते वज़ीर आज़म खे नज़रसानी जो हुकुम ॾेई छॾियो। शेख रशीद जी दरख़्वास्त ते ॿुधणीअ बाद अदालत वफ़ाक़ ऐं हनीफ़ अब्बासी खे नोटिस जारी करे छॾिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला शेख रशीद खे मुखातिबु थींदे चयो त जलसनि में अदालतुनि ते इल्ज़ामबाज़ी अफ़सोसनाक आहे। छा तव्हां ऐं तव्हांजे इतिहादी PTI खे इस्लामाबाद हाईकोर्ट ते एतमादु आहे? जलसनि में रोज़ चयो वञे थो त अदालतूं राति जे वक़्तु छो खुलियूं? तव्हां चेयरमैन तहरीक इंसाफ़ खां बि पुछी वठो, हिननि खे एतमादु नाहे त पोइ असां केस नथा ॿुधूं। अवाम जो एतमादु ख़राबु न कयो। शेख रशीद चयो त एतमादु आहे, इन करे ई अदालत में आया आहियूं। चीफ जस्टिस चयो त तव्हांखे एतमादु आहे त पोइ हीअ अदालत ॿुधंदी। अदालत ॿुधणी 17 मई ताईं मुलतवी करे छॾी। लाहौर हाईकोर्ट पंजाब जे वॾे वज़ीर हमज़ा शहबाज़ जी हलफ़बरदारी ख़िलाफ़ु तहरीक इंसाफ़ जी दरख़्वास्त ते ॿुधणीअ लाइ फुल कोर्ट बेंच जोड़े छॾी। तहरीक इंसाफ़ पंहिंजी दरख़्वास्त में स्पीकर पारां हमज़ा शहबाज़ खे हलफ़ खणाइण वारे अमल खे चैलेंज कयो आहे। जस्टिस साजिद महमूद सेठी चीफ जस्टिस खे ॿुधणी जे लाइ फुल कोर्ट बेंच जोड़ण जी सिफ़ारिश कई हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस सदाकत अली ख़ान जी सरबराही में फुल कोर्ट बेंच जोड़े छॾी। फुल कोर्ट बेंच में जस्टिस शाहिद जमील ख़ान, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस साजिद महमूद सेठी ऐं जस्टिस तारिक सलीम शामिल। FIA पंजाब जो अॻूणो डायरेक्टर डॉक्टर रिज़वान लाॾाणो करे वियो। ख़ानदानी ज़रियनि जो चवणु आहे त डॉक्टर रिज़वान खे दिलि जो दौरो पवण बाद सर्विसिस इस्पताल लाहौर पहुचायो वियो, जिते डॉक्टर्स संदसि मौत जी तसदीक कई। डॉक्टर रिज़वान डायरेक्टर FIA तौरु हाणोके वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ख़िलाफ़ु मनी लॉन्ड्रिंग ऐं ॿियनि केसिस जी जाच कराई हुई। नई हुकूमत अचण शर्त खेसि उहिदे तां हटायो वियो हो।
पीटीआई अगवान शहबाज गिल एफआईए पंजाब के अगूने डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान के मौत के कत्ल जो वाक्यो करार दई छो। शहबाज गिल पंजे ट्वीट में चयो तो इहा का नई गाल ना है, मुझे मुल्क में मानुन के इं ही कत्ल कयो वेंदो आहे। मुझे मौत की खबर भी कार हादसे की सूरत में अचे हा, सब कुछ सुठे नमूने मैनेज कयो वञे थो। मुल्क में एक ही वक्त इतफाकी हादसा न पर कत्ल जा वाकया थी रहा आहिन। पानी तो बिल्कुल पहणी तो कें कम जो कोने कोई सफा नाली थी चुको आ। बाकी मलान की जी जिंदगी तमाम माना तुम समझी सको ये गुजरे पी। बाकी पानी अचण घुर्जे जदें ही गरीब रोजी रुज कन जो जान सजो यो ही गरीबन जो गुजर भी नहीं पानी की मलान जो सभी बेरोजगार इतना कोटड़ी वी लाड़ तक समुंड तेरोजगार पानी गंदो आ बचे गुजर को छुटे। सिंध में पानी की खोट 50% का वधी वही। पानी की मजमूई खोट 52.8% रिकॉर्ड। गुडू बैराज के पानी की फराहमी बंद। सखर बैराज वटे पानी की खोट वधी 44.8% थी वही। कोटड़ी बैराज वटे पानी की खोट 60% रिकॉर्ड। मच्छी मारे पेट गुजर कदड़ हजारे मलाह बेरोजगार थी वह। सिंध के केतर इलाकन में पीण वाले पानी जो भी बहरान। नहीं वज़ीर आला सिंध काले बालों वाले हैं, मैं सफ़ेद बालों वाला हूँ। जब मैं जवान था तो मैं भी यही करता था, लेकिन अब मेरे बाल सफ़ेद हो गए तो मैं सोल्यूशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ। जी बिल्कुल ये सही है। और अब ये भी इत्तलात हैं कि पंजाब में पैडी की का रकबा उन्होंने बढ़ा दिया है, जो किसी तरीके से भी हमारे मफाद में नहीं है, मुल्क के मफाद में नहीं है। या तो हम प्यास से मरते हैं या हम पानी में डूबते हैं, तो दोनों किस्म की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे। सर इस वक्त सिंध में भी तो ये किससे आवाम शिकायत करेगी, क्यों क्यों सिंध को सजा मिल रही है? दरिया बादशाह है ना, दरिया बादशाह है जिस पर हमारी हुकूमत नहीं चलती। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर सिंध में पानी की खोट जो जिम्मेवार सिंधु दरिया के करार दई छो। सखर में मीडिया से गलंदे ताज हैदर चयो तो दरिया बादशाह ते केंजो भी जोर नथो हले। मुंजा वार जडे कारा हुंदा हुआ तो मां भी पंजाब ते पानी चोरी करण जा इल्जाम हणंदो हुयस। मुराद अली शाह जा वार कारा आहिन ते करे हु अहड़ियूं गालियूं करे थो। पंजाब में सारियाले फसल की पोखी ते गणती है, ग्लेशियर रिजण का पोए पानी की खोट खत्म थी वेंदी ए शायद बोड वारी सूरतहाल पैदा थी वे। सिंधु या तो पानी के लिए सिकंदी है या वरी बुडंदी है। डैम्स जो पानी बिजली पैदा करण के लिए न पर जरई घुर्जू पूरू करण के लिए इस्तेमाल थियण घुर्जे। सिंध जा आबादगार पानी की खोट खिलाफ टे ढी भी सरापा एहतजाज। सखर ठट्टो मांझन चंबर कश्मोर ए पंगरियो में आबादगार रस्तन ते निकली आया। ठट्टो में आबादगारन पारा सारिन जो सुकल बेजारो खणी एहतजाज। सिंध सरकार ए वफाकी हुकूमत का पानी खोट खत्म करण जो मुतालबो।
थारू शाह में भी पानी की खोट खिलाफ़ आबादगारन जो धरणो, पानी की खोट खिलाफ़ नारेबाजी। न्यू सईदाबाद, मेहड़, भिक्षा ए बन शहर में भी मुजाहरा। फैजगंज में पानी खोट ए पानी चोरी खिलाफ़ एहतजाज। कराची यूनिवर्सिटी में आपघाती धमाके दौरान मारजी वेल टिन चीनी उस्तादन जो आखिरी रस्मू अदा कई व्यू। वरे वजीर मुराद अली शाह, डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध ए बन की शिरकत। औरत बम्बार के आपघाती हमले में कन्फ्यूशस सेंटर के डायरेक्टर समेत टे चीनी उस्ताद ए संदन पाकिस्तानी वैन ड्राइवर अजल जो शिकार थिया हुआ। सरदार चंड की ज़मानत रद्द थियण वाली जो दरख्वास्त हुई उनते ऑनरेबल कोर्ट की तरफ का उनके नोटिसिस इशू किया वह कमिंग मंथ की 13 तारीख से सरदार चंड के घुराया वो कोर्ट तो वो अची करे जाहिर फेस कन ट्रायल के उनके बेल एप्लीकेशन जो उनके सो पुर उम्मीद आयो इंशाल्लाह। सो बुरहान चंड की बेल एप्लीकेशन जो ऑलरेडी फाइल थियल है जिनते सो केस हले पे तो सो पुर उम्मीद आयो तो इंशाल्लाह जो ट्रायल कोर्ट में उनकी ज़मानत रद्द थी वो कातिल टे मासूम मानू जो जानू वी चुका ज़ाहिर मैं इतने इंसाफ के लिए अचा थी तो अदालतू इंसाफ ही कंद 13 तारीख से सरदार चांड के घुराया वो इन मंथ की 23 तारीख से बुरहान चांड की जो जमानत वाली दरख्वास्त थी वह लगल है सो इंशाल्लाह पुर उम्मीद आयो तो इंसाफ। लाड़कानों की अदालत मेहर के टीणे कत्ल केस में सरदार चांड के 13 जून से तलब कर वरतो। उमेर उबाब है दादू की ट्रायल कोर्ट सरदार भाईरन जो जमानतू रद्द कई हुई अदालतुन में इंसाफ की उम्मीद है। उमेर उबाब के वकील भी चाहिए तो बिन्हीं सरदार भाईरन जो जमानतू रद्द थियण की उम्मीद है। मीरपुर खास वमन पुलिस मीरबाह गोचाणी में 10 साल की बाड़ी के परणायण की कोशिश नाकाम बनाए छी। पुलिस बारड़ी सीता के हिफाजती तहवील में वी घोट मुनवर झील के गिरफ्तार कर वरतो। सिंध में गर्मी सबब गेस्ट्रो वबाई सूरत इख्तियार कर वरती एक जनो फौत ए केतरा ही अस्पताल भेड़ा थी वया। गंबर के गोठ वांढ महल जो नींगर मेहदी हसन गेस्ट्रो विखे फौत। सागे कुटुंब जा 22 भाती गेस्ट्रो जो शिकार। मटियारी में 78 का वधिक मानू अस्पताल भेड़ा। भिरासिटी में औरतों ने बारन समेत 9 जना अस्पताल दाखिल। खैरपुर ए भरपासे 35 का वधिक बार अस्पताल भेड़ा थी वया। फिलिपाइन में सदारती चूंडन के लिए पोलिंग जारी। अगूणे आमिर फर्डिनंड मार्कोस के पुट मार्कोस जूनियर की गरी अक्सरियत से कामयाबी का इम्कान। संदस मुकाबले में अगूणे नायब सदर लेनी रोबरेडो समेत केतरा ही सियासतदान मैदान में लथन। फिलिपाइनी मीडिया ए अवामी सर्वे रिपोर्ट मूजिब मार्कोस जूनियर की गरी अक्सरियत से कामयाब थियण का इम्कान है। संदस कामयाबी की सूरत में मार्कोस खानदान 35 साल बीहर इक़्तदार में अची वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ में अवां के भलीकार चऊं।